न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए आज 17 नवंबर से वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ वोटिंग शुरू होते ही ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सौंसर में वोट डाल दिया है। इस चुनाव में लगभग 2533 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 5,60,00,000 मतदाता करते हुए नजर आएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक चलेगी। लेकिन वोटिंग के बीच ईवीएम में बड़ी खराबी की यहां पर खबरें सुर्खियों में देखी जा रही हैं। आपको बता दें, खिलचीपुर के पीपली बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय के मतदाता केंद्र क्रमांक 238 की ईवीएम में वोटिंग शुरू होते ही खराबी आ गई। इसे सुधारने के बाद मतदान दोबारा शुरू किए गए। इतना ही नहीं, सतना विधानसभा के मतदान केंद्र 102 पर करीब 1 घंटे तक वोटिंग शुरू नहीं हो सकी क्योंकि ईवीएम में खराबी पाई गई। नागौद विधानसभा के कुलगढ़ी में मतदाता केंद्र 156 पर ईवीएम में खराबी आ गई। मतदान देरी से शुरू हुआ। चित्रकूट के मतदान केंद्र 215 पर ईवीएम में खराबी आने के कारण समय पर मतदान शुरू नहीं हो सके। मेहर में विष्णुपुर मतदान केंद्र में 2 स्थानों पर बरकुला और अमातारा में लोगों ने मतदान का पूरी तौर से बहिष्कार किया। सतना के वैकेंट में बने मतदान केंद्र क्रमांक 134 की ईवीएम खराब होने से मतदान शुरू नहीं हो पाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यहां पर एक पोलिंग बूथ की बात ना की जाए, तमाम यहां पर वोट में खराबी नजर आई। कई ऐसे यहां पर विधानसभा सीटों का जिक्र किया गया जिसमें ईवीएम की खराबी सामने देखी जा रही, जिसका बहिष्कार जनता सीधे तौर पर करती हुई नजर आई और जनता यहां पर सही तरीके से वोट नहीं डाल पाई है, जिसके बाद यहां पर ईवीएम से जुड़ी खराबी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है।